हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं मनोज आप सभी का स्वागत करता हूँ एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक बहुत ही प्यारा सा स्लाइडिंग वार्डरोब जो कि अभी ये मेकिंग प्रोसेस में है। तो चलिए फिर दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इस वार्डरोब को एक बार नीचे से ऊपर तक देख लेते हैं क्या क्या है। नीचे की साइड में दोस्तों हम लोगों ने दो पल्ले का स्लाइडिंग बनाया हुआ है और ऊपर की साइड में हमारा ये चार पल्ले का लॉफ्ट है। और दोस्तों, अगर हम इसकी साइज़ के बारे में बात करें तो इसकी जो हाइट है हमारी 9 फीट है और इसकी जो चौड़ाई है टोटल हमारा दोस्तों ये 5 फीट है। और इसमें हमारा 7 फीट का ये स्लाइडिंग है और ऊपर की साइड में लगभग 2 फीट का हमारा लॉफ्ट है। अभी हम लोग दोस्तों अपने इस स्लाइडिंग पल्ले को ओपन कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं। कुछ इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे सेल्फ वगैरह फिक्स किया हुआ है और इसमें हम लोगों ने चार ड्रावर बीच में दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। और यहाँ पे जो हमारा ड्रावर है इसकी हाइट 6 इंच है और दोनों ड्रावर को एक लाइन से हम लोगों ने लगाया हुआ है, यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। और इस बीच में दोस्तों हम लोगों ने एक वर्टिकल दिया हुआ है। साथ ही साथ दोस्तों हम लोग इस स्लाइडिंग में डोर के लिए हम लोगों ने यहाँ पे 4 इंच का जगह रखा हुआ है और इसमें हम लोगों ने 25 mm का डोर का यूज किया हुआ है। और साथ ही साथ दोस्तों स्लाइडिंग फिटिंग के बारे में बात करें दोस्तों, इसमें हम लोगों ने हेटिक का यूज किया हुआ है। अभी हम लोग इस पहले पल्ले को बंद कर लेते हैं, अभी हम लोग दूसरे पल्ले को ओपन करते हैं। तो इस साइड में दोस्तों हम लोगों ने ऊपर की साइड में एक सेल्फ दिया हुआ है और इसमें आप अपने कपड़े वगैरह फोल्ड करके रख सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों ये जो हमारा एरिया है इसमें हैंगर आने वाला है और यहाँ पे भी दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे सेल्फ दिया हुआ है जो कि ये फिक्स है। कुछ इस तरीके से दोस्तों हमारा ये कंप्लीट हो जाता है। और यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने तीन साइड में 1.5 इंच का बॉर्डर बनाया हुआ है और नीचे की साइड में हम लोगों ने 3 इंच का इस कटिंग दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। अभी हम लोग इस डोर को भी बंद कर देते हैं। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों हमारा ये स्लाइडिंग बंद हो जाता है। अभी हम लोग ऊपर का लॉफ्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों टोटल 4 डोर हम लोगों ने दिया हुआ है जो कि साइड से ओपन होगा, आप इसको देख सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने डोर में एल हिंजेस का प्रयोग किया हुआ है, साथ ही साथ एक साइड में हम लोगों ने जेड हिंजेस का प्रयोग किया हुआ है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।